इस फिल्म में हम 16 साल के रोजर के फनफनाते लिंग और इस लिंग से संतुष्ट हुए लोगों की कहानी पर प्रकाश डालेंगे। मूवी का नाम है व्हाट एवरी फ्रेंच वुमन वांट्स। मूवी की शुरुआत में हम रोजर को देखते हैं। रोजर गर्मी की छुट्टी में घर आ रहा होता है। रोजर की माँ उसे लेने के लिए घर की नौकरानी मिस लपीते को घोड़ा गाड़ी लेकर भेजती है। रास्ते में रोजर की नजर मिस लपीते के उछलते पपीते पर जाती है। रोजर इस मनोरम दृश्य का आनंद लेते हुए अपने केले को सहला रहा होता है। तभी मिस लपीते की नजर रोजर को ऐसा करते हुए देख लेती है और वह भी इसे काफी एंजॉय करती है। तभी दोनों घर पहुँच जाते हैं। रोजर की माँ रोजर का बड़े स्वेग से स्वागत करती है। तभी उसकी नजर रोजर की पैंट पर लगी मियोनीज पर जाती है। उसकी माँ पूछती है कि यह सब कैसे हुआ। इस पर रोजर की मासी मार्गरेट रोजर को डिफेंड करते हुए कहती है कि इस उम्र में यह सब हो जाता है, और कहते कहते वह अपने रुमाल से रोजर के पैंट पर लगी मियोनीज को साफ कर देती है। तभी रोजर की छोटी बहन बरखा आ जाती है और वह रोजर को पकड़कर जंगल की सैर करवाने ले जाती है। जंगल में रोजर की मुलाकात मिस लपीते से होती है। अचानक मिस लपीते को जोर से सुसू आ जाती है और वह वहीं खड़ी खड़ी रोजर के सामने बड़ी अदब से अपनी टंकी को खाली करने लगती है। रोजर को यह देखकर बड़ा अजीब लगता है और वह वहां से दूसरी तरफ चला जाता है। तभी अचानक रोजर फिसल के गिर जाता है और देखता है कि उसके ही घर की मैड उर्सुला किसी मर्द के साथ अपनी खुजली मिटा रही है। उर्सुला रोजर को देखकर मुस्कुराती है और रोजर अपने पिछवाड़े का पूरा जोर लगाकर वहां से भाग जाता है। रात को डिनर करने के बाद रोजर अपने कमरे में सोने जाता है। तभी उसको बर्तनों के हिलने की आवाज सुनाई देती है। रोजर कमरे से बाहर निकलकर देखता है कि उसकी मैड हेलन हेलीकॉप्टर बनके ठुकाई करवा रही है। काम हो जाने के बाद हेलन अपने कपड़े फटाफट ठीक करके वहां से चली जाती है। अगले दिन रोजर को नदी किनारे लेकर जाती है। सभी नौकरानियां वहां नहाने के लिए आती है और अपनी अपनी गपागप की बातें शेयर करती है। दोनों पेड़ के पीछे छुपकर उनको नहाते हुए देखते हैं। तभी नदी के दूसरी ओर घर के नौकर रामू काका एंड गैंग आ जाती है और अपनी अपनी राइफल निकालकर औरतों को दिखाते हुए नदी में धार देने लग जाते हैं, और उर्सुला भी जवाबी हमले में फटी फटाई नान खटाई के दर्शन करवा देती है। उसके बाद मूवी का सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि रोजर की बड़ी बहन एलिसा अपने पापा के साथ आई है। एलिसा का भी बड़े स्वेग से स्वागत किया जाता है। एलिसा सभी घर वालों से गले मिलती है, लेकिन रोजर को सिर्फ हाई बोलकर चली जाती है। रोजर को यह बात बहुत बुरी लगती है। तभी बर्था रोजर का मन हल्का करने के लिए उसको चर्च ले जाती है। चर्च में रोजर की मौसी मार्गरेट अपने पापों का कन्फेशन कर रही होती है। वह कहती है कि जब से रोजर घर आया तब से मैं उसके साथ पेलम पेली मचाना चाहती हूँ। रोजर चर्च की छत पर चढ़कर यह सब कुछ सुन रहा होता है। तभी छत टूट जाती है और रोजर नीचे गिर जाता है। पादरी रोजर को पकड़कर उसकी माँ के पास ले जाता है और उसकी माँ मार्गरेट को रोजर के पिछवाड़े पर 10 सेंटी मारने का आदेश देती है। मार्गरेट ना चाहते हुए भी मार मारकर रोजर का पिछवाड़ा लाल टमाटर के जैसा बना देती है। रात को रोजर दर्द के मारे उल्टा सो रहा होता है। तभी उसको फिर से झटकों की आवाज आती है। वह देखता है कि हेलन फिर से हेलीकॉप्टर बनकर पिछवाड़े की ठुकाई करवा रही है। तभी वहाँ पर उर्सुला आ जाती है और रोजर को कहती है कि आओ मैं तुम्हारे नितंबों पर थोड़ा तेल लगा दूं। इस पर रोजर मना कर देता है और उर्सुला वहाँ से चली जाती है। इसके बाद रोजर मिस्टर फ्रैंक के कमरे में जाता है। मिस्टर फ्रैंक दूरबीन में से कुछ देखकर अपने केले को सहला रहे होते हैं। रोजर को देखकर मिस्टर फ्रैंक के सितारे गर्दिश में आ जाते हैं और वह वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद रोजर दूरबीन में से दो आत्माओं के मिलन के रंगारंग कार्यक्रम को एंजॉय करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रोजर अस्तबल में बैठकर कामसूत्र की किताबें पढ़ते पढ़ते अपना चप्पू चला रहा होता है। तभी वहाँ अचानक एक रामू काका आ जाते हैं। रामू काका के पीछे पीछे हेलन भी मुर्गियों को दाना डालने वहाँ आ जाती है। तभी रामू काका चालाकी से हेलन को खिड़की में फंसा देता है और पीछे से जाकर हेलन की फटफटी बजा देता है। भोला भाला रोजर हेलन की हेल्प करने जाता है तो हेलन कहती है चला जा भोसड़ी के। इसके बाद रोजर बाहर जाकर देखता है, तब तक रामू काका हेलन को निचोड़ चुका होता है। इस घटना के बाद रोजर का लुल्लू बिल्ली मारने के लिए तड़प उठता है। तभी उसकी नजर किचन में काम कर रही उर्सुला पर जाती है। रोजर उर्सुला को पीछे से पकड़ लेता है। तभी उर्सुला सोचती है कि यह रामू काका है और रोजर के सिर पर प्लेट दे मारती है। रोजर पिनपिनाकर नीचे गिर जाता है। तभी उर्सुला देखती है कि यह तो अपना रोजर है और उर्सुला उसे गपागप के लिए ग्रीन सिग्नल दे देती है। तभी वहां पर एक मोटी मेड आ जाती है और रोजर वहां से भाग जाता है। अब रोजर की पिस्तौल बेकाबू हो जाती है। तभी उसको अस्तबल में जाती हुई मिस लपीते दिख जाती है। रोजर उसके पीछे पीछे जाता है और मिस लपीते को पकड़कर गपागप चालू कर देता है। रोजर का काम होने ही वाला होता है, तभी एक डाकिया आता है और कहता है कि जंग छिड़ गई है। अगले दिन घर के सारे मर्द जंग में जाने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ रोजर नुन्नू की प्यास मिटाने के लिए बिल्लियों की व्यवस्था में लग जाता है। सबसे पहले लपेटे में उर्सुला आती है। उर्सुला का तो पहले से ही ग्रीन सिग्नल था। रोजर बड़ी ही शिद्दत से उर्सुला की अनबॉक्सिंग करता है और पूरी रात ताबड़तोड़ पलंग तोड़ता है। अगले सीन में रोजर नदी में स्विमिंग कर रहा होता है। तभी उसको नदी किनारे बैठी उसकी नौकरानी दिख, वह इशारों ही इशारों में रोजर को ग्रीन सिग्नल दे देती है और रोजर बाहर निकलकर उसकी फटफटी बजा देता है। इसके बाद रोजर का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर होता है। इसके बाद एक रात रोजर मार्गरेट के कमरे में जाकर बैठ जाता है। जैसे ही मार्गरेट आती है तो
तो रोजर उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम अभी तक कुंवारी हो और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। पहले तो मार्गरेट मना करती है, इतने में रोजर चुम्मा चाटी करना शुरू कर देता है। इसके बाद मार्गरेट खुद को रोक नहीं पाती। इसके बाद दोनों मिलकर रात भर जमकर चरम सुख की प्राप्ति करते हैं। इसके बाद रोजर अपने कमरे में आ जाता है। वह देखता है कि नौकरानी हेलन चाय की ट्रे लेकर उसके कमरे में आई है। रोजर उससे पूछता है कि तुम हमेशा इसी वक्त चाय की ट्रे लेकर क्यों आती हो। तो हेलन कहती है कि मैं तो बस चाय नाश्ता देने आती हूँ। यह कहकर हेलन वहाँ से जाने लगती है। तभी रोजर उसको पीछे से पकड़ लेता है और आधा हेलीकॉप्टर बनाकर पीछे से जमकर ठुकाई करता है। मूवी का सीन चेंज होता है। एक दिन बर्था और रोजर बगीचे में बैठे होते हैं। तभी बर्था रोजर से कहती है कि देखो घोड़े पर कौन जा रहा है। रोजर देखता है कि यह तो उसकी बड़ी बहन एलिसा थी। रोजर बर्था का इशारा समझ चुका था और एलिसा के पीछे पीछे जाता है और एलिसा के ऊपर झपट पड़ता है। पहले तो एलिसा जमकर विरोध करती है, लेकिन एलिसा की फटपटी में बहुत दिनों से खुजली हो रही थी तो एलिसा खुद को रोक नहीं पाती। इसके बाद रोजर घोड़े के सामने ही एलिसा को घोड़ी बनाकर जमकर ठुकाई करता है। इन घटनाओं के बाद घर का माहौल बदल सा गया था। घर की सभी औरतें बारी बारी से रोजर के कमरे में जाने लगी और टाइम टू टाइम सर्विस करवाने लगी। एक दिन जंगल में मंगल करने के बाद एलिसा रोजर से कहती है कि वह प्रेग्नेंट है। यह सुनकर रोजर के पिछवाड़े से धुआं निकलने लगता है। तभी वो दोनों देखते हैं कि आसमान में प्लेन उड़ने लगे हैं, तो वो समझ जाते हैं कि अब जंग खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट सीन में उर्सुला रोजर के पास आती है और कहती है कि वह प्रेग्नेंट है। इसके पीछे पीछे उसकी मासी मार्गरेट भी आती है और कहती है कि वह भी प्रेग्नेंट है। रोजर सोच रहा होता है कि इस समस्या से छुटकारा कैसे पाया जाए। तभी रोजर के दिमाग में आइडिया आता है। वह उर्सुला से लाल रंग की नेल पेंट लाने को कहता है और एलिसा के पेट पर लगा देता है और एलिसा को कहता है कि वह आज रात रोलन के साथ गपागप करे ताकि रोलन को लगे कि एलिसा अभी तक वर्जिन है। इसके बाद वह मार्गरेट के पास जाता है और कहता है कि वह प्लीज मिस्टर फ्रैंक से शादी कर ले, मिस्टर फ्रैंक आपको बहुत चाहते हैं। इस पर मार्गरेट मान जाती है। इसके बाद वह उर्सुला के पास जाता है और कहता है कि प्लीज मुझसे शादी कर ले, लेकिन उर्सुला का पहले से ही किसी से टांका फिक्स होता है। इसके बाद तीनों औरतों की एक साथ शादी हो जाती है और किसी को कानो कान खबर नहीं लग कि मर्दों की गैर मौजूदगी में रोजर ने क्या गंद मचाई है। इसके बाद रोजर की गर्मियों की छुट्टी खत्म हो जाती है और रोजर वापस अपने स्कूल चला जाता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेनेशंस। धन्यवाद।